हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज नेसेसरी फॉर कम्बुशन। तो दोस्तों, कम्बुशन के लिए कौन सी गैसें जरूरी होती है? तो दोस्तों, कम्बुशन के लिए ऑक्सीजन गैस जरूरी होती है, ये बात आप याद रखना। क्या आप जानते हैं ऑक्सीजन की खोज किसने करी थी? ऑक्सीजन का दो रासायनिक सूत्र होता है O2, जिसकी ऑक्सीजन की खोज के सचली ने की थी। दोस्तों किसने की थी? के सचली ने इसकी खोज की थी। इट इज़ अ नॉन कम्बस्टियल बट हेल्प इन अ कम्बुशन। ये जो गैस है दोस्तों ऑक्सीजन, ये नॉन कम्बस्टियल गैस है, लेकिन फिर भी ये हेल्प करता है किसमें? कम्बसन में ये हेल्प करता है। आगे बात करते हैं दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में आप जानते ही होंगे, ये सिगरेट से निकलने वाली धुआं में मौजूद होता है। इज फॉर्म्ड बाय इनकम्प्लीट कम्बुशन। ये जो फॉर्म होता है दोस्तों इनकम्प्लीट कम्बुशन से बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है दोस्तों ऑर्डरलेस गैस है। हाइड्रोजन की बात करते हैं, आपने एलिमेंट थ्योरी में हर जगह 10th क्लास में या बड़े में आपने हाइड्रोजन के बारे में सुना है होगा। क्या आपको पता है हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट गैस है? यस, हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट गैस, इस बात को आप याद रखना। हाइड्रोजन इज द ओनली एटम इन विच न्यूट्रॉन्स आर नॉट प्रेजेंट। और हाइड्रोजन एक ऐसा एटम होता है दोस्तों जिसमें न्यूट्रॉन की नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों हमारे बॉडी की बात करते हैं, हमारे बॉडी में कौन सी गैस किस मात्रा में, किस सीरियल वाइज पाई जाती है? सबसे ज़्यादा दोस्तों पाई जाती है ऑक्सीजन, उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरे नंबर पे दोस्तों हमारे बॉडी में मौजूद होता है हाइड्रोजन, और चौथे नंबर पे हमारे बॉडी में दोस्तों मौजूद होता है नाइट्रोजन। तो आप याद रखना OCHN, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और इसके साथ की जानकारी बिल्कुल पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।